प्रियंका जी, आप नई फिल्म की शुरुआत कर रही हैं, इंटेंशन क्या कहना चाहेंगे, क्या सब्जेक्ट बेसिकली है, और पहले भी जो आपने फिल्म की है काफी संवेदनशील फिल्म की है निर्माता के तौर पर और अभिनेत्री के तौर पर, तो क्या कहना चाहेंगे, इस बार क्या सरप्राइज देखने को मिलेगा दर्शकों को? इस बार ये जो है हमारा सस्पेंस एंड थ्रिलर है, और इससे पहले जो मैंने किया था एसिड किया था, जो कि महिला प्रताड़ित में थी फिल्म, और इंतज़ार कोई आने को है जो कि अभी आने वाली है, उसमें जो था वो हॉरर एंड सस्पेंस था, बट ये जो है एक इंटेंशन, जो हमारे टाइटल से ही पता चलता है कि हर लोगों की इंटेंशन क्या होती है, तो ये भी सस्पेंस एंड थ्रिलर ही है। ओके, आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर, एसिड एसिड के प्रीमियम में शायद आप आते हैं। यस, सहारा स्टार, यस यस यस, मुझे जानना है। ओके, तो सब जानने वाली है, सामने दिखा से सब ये बंद कर दो, हार मत जाइए। यस, प्रियंका जी, जाना चाहूंगा नई फिल्म इंटेंशन की शुरुआत कर रही हैं आप, इससे पहले भी आपने जो फिल्म निर्माता के तौर पे और अभिनेत्री के तौर पे जो फिल्म किया है वो भी काफी संवेदनशील विषय पे था, एसिड अटैक पे था, तो इस बार क्या सरप्राइज देने वाली हैं दर्शकों को अपने फिल्म के माध्यम से? इस बार कुछ खास सरप्राइज नहीं रहेगा, बट आप लोग जब देखोगे तो खुद ही समझ में आएगा। इंटेंशन नाम से एक पता चलता है कि कुछ तो अलग होगा, और इसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि हर किसी की इंटेंशन क्या होती है, और जो इससे पहले मेरी थी सस्पेंस थ्रिलर थी, हॉरर थी वो, और उससे पहले जो एसिड थी जो कि महिला प्रताड़ित फिल्म थी, तो अभी कुछ नया आएगा, कुछ सस्पेंस एंड थ्रिलर। और फिल्म जो कलाकार है वो भी जाना पहचाना चेहरा है, राहुल बोस, राहुल देव होंगे, इसके अलावा अली असगर होंगे, दीपशिखा नागपाल होगी, तो ये बताइए इनको जो एकत्रित करके, खासकर अली असगर के बारे में मेंशन किया हुआ कि काफी इंटरेस्टिंग रोल होगा उनका, तो बताइए किस तरह का एक ओवरऑल पैकेज आप देने वाली हैं, किस तरह का मनोरंजन होगा ये? ये काफी मतलब कॉमेडी भी है, थोड़ा बहुत स्पाइसी है, और राहुल जी हैं तो मतलब उनके कैरेक्टर को देखते हुए ही हमने स्टोरी को लिखा भी है हमारे राइटर ने, तो है, अच्छा है, मतलब मिक्सअप है सारा, कॉमेडी भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है। फिल्म की शुरुआत कब से होगी ये? फिल्म की शुरुआत हमारा कल से हो रहा है, कल 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो कहाँ कहाँ शूट होने वाला है ये? हमारा सारा मुंबई में ही शूट होगा, मढ़ में, फिल्म सिटी में, और भी बाहर हैं कुछ कुछ जगह ही, मुंबई में ही। बट फिल्म की तैयारी कब तक होगी ये रिलीज करने के? कोरोना काल है तो OTT पर आप रिलीज करेंगे या थिएटर पर रिलीज? ये मैं OTT के लिए ही प्लान कर रही हूँ, और देखते हैं। प्रियंका जी, ये भी है कि मेंशन क्या हुआ कि गाने नहीं होंगे फिल्म में, ये भी यूनिक पॉइंट है, गाने के किस तरह से आप समझती हैं सक्सेस मिल पाएगा फिल्म को, और क्यों गाने नहीं, वजह क्या है उस फिल्म की, ऐसा क्या सब्जेक्ट है जो गाने नहीं है फिल्म में? हमारी फिल्म की जो स्टोरी है ना, आप लोग जब बनेगा देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें गाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो मुझे लगता है कि जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो अननेसेसरी उसको डालना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। सो जैसे कि आपने एसिड फिल्म पर आपने काम किया, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, और उसके बाद आप ये प्रोड्यूस कर रही है फिल्म को, तो कितनी आप चुनौती आप खुद को देख रहे हैं? मतलब हर कोई चाहता है कि वो फिल्म में, मतलब एसिड में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और मैं काफ़ी खुश रही, उसके बाद मैंने और हिम्मत लिया कि चलो एक नेक्स्ट और बनाती हूँ, तो होप्स हो कि पब्लिक को ये फिल्म भी अच्छी लगे, एसिड से ज़्यादा अच्छी लगे, क्योंकि अलग ही कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता है अभी तक आया नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कॉन्सेप्ट। जब आपने ये स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो ऐसी क्या बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि हाँ यही करना ही है? ये आप जब फिल्म देखोगे तो मुझे लगता है कि आपको समझ में जरूर आएगा। ओके, फिल्म में कई सारे कलाकार हैं, उन कलाकारों को चुनने में कितना मुश्किल हुआ आपको, क्या आपने पहले से ही आपने चुना था? ये ना एक्चुअली आप कोइंसिडेंट बोल दो या पता नहीं, हमारे राइटर ने पहले ही सोच के रखा था कि हमें इनको इनको फाइनल करना है, और भगवान की दया से सब अवेलेबल हो गए हमारे टाइम पे। ये भी कहना चाहूँगा मैं, जो भी आर्टिस्ट फीमेल आर्टिस्ट की अगर बात करूँ तो पहले कुछ फिल्मों में काम करने के बाद निर्माण करती फिल्म का, आप शुरुआत से ही कर रही हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा है और कितना बड़ा फैसला समझती हैं, क्योंकि निर्माण करना, अभिनय करना दोनों साथ साथ, कितना मुश्किल है आपके लिए?
मुश्किल तो है बट अगर आप चाहो तो हो जाता है, इजी है, बस टीम अच्छी होनी चाहिए। तो फिर भी आपके बारे में जानना चाहूँगा, मतलब निजी तौर पे आपका क्या बैकग्राउंड है, अभिनय क्षेत्र में कैसा आना हुआ, किस तरह से? मैंने मास कम्युनिकेशन वीडियो प्रोडक्शन किया है जेवियर कॉलेज से, देन उसके बाद मैंने एज अ एडी काम किया बहुत सारे फिल्म प्रोडक्शन में, देन उसके बाद एसिड बनाई मैंने मेरे खुद के प्रोडक्शन हाउस, फिर इंतज़ार बनाया और ये मेरी तीसरी फिल्म है, तो बैक टू बैक चल रहा है। तो आगे भी प्लानिंग है कि जो हाँ आप करेंगे उसमें अभिनय आप करेंगे कि या फिर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब पता नहीं मुझे वैसे स्टोरी आ जाती है, मुझे पसंद आ जाती है जिसमें लगता है कि चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ। और लास्ट ये जानना चाहूँगा, आज के दौर में जिस तरह का माहौल है ओटीटी प्लेटफॉर्म की खासकर बात करें, जिस तरह कॉन्टेंट दिया जा रहा है दर्शकों को मनोरंजन के लिए, आपका कुछ ऐसा सपना है, ड्रीम्स है, एम्बिशंस है कि कुछ अलग हटके क्रिएट करूँ एज अ प्रोड्यूसर, एज एन आर्टिस्ट? मैंने ट्राई किया इस फिल्म में कि अभी जितने भी सस्पेंस थ्रिलर लोगों को लगता है कि हाँ कुछ होने वाला है या सस्पेंस थ्रिलर लोगों का एक माइंड कंसेप्ट वैसा है, बट शायद हमने कुछ अलग ट्राई किया है इस फिल्म में, तो शायद आप लोग जब देखोगे तो कुछ अलग ज़रूर दिखेगा। ओके okay, फिल्म के डायरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि कितना आप उनको लेके कॉन्फिडेंट हैं? हमारे जो फिल्म के डायरेक्टर हैं रणवीर जी, मैं उनको लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस में हूँ क्योंकि वही राइटर हैं और वही डायरेक्टर हैं, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने इस कंसेप्ट को लाया है और जिस सब्जेक्ट को ऐसे पैदा किया है, मुझे लगता है वही इसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि आप फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, तो जैसे कि हमने आपको देखा पहले एसिड बनाया आपने, अब ये सस्पेंस थ्रिलर बनाया, तो ऐसा नहीं दूसरे एक्ट्रेस की तरह आप भी कोई बड़ी लीड या रोमांटिक फिल्म बना सकती थी? रोमांटिक एक्चुअली मेरे कंसेप्ट में नहीं रहता है, मतलब लाइक उसमें मेरा फोकस नहीं जाता है रोमांटिक फिल्म के लिए। मेरे पास स्टोरीज आए थे बट मुझे समझ में नहीं आया, तो कुछ अच्छा होगा तो मैं पक्का देखूंगी रोमांटिक फिल्म के लिए, बट मुझे सस्पेंस थ्रिलर मेरा जॉनर ही है या तो वुमेनाइजर। जैसे कि सस्पेंस थ्रिलर है तो क्या होगा, मतलब क्या इसके अंदर कोई मैसेज? मैं अगर सब बता दूंगी, मैंने आप ये हमारा टाइटल ही है इंटेंशन, तो इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि हर किसी का इंटेंशन क्या होता है, तो मुझे लगता है टाइटल ही काफ़ी है पूरे फिल्म को समझने के लिए। ओके okay, कोरोना काल है तो किस तरह का आप अपने सेट में अपने जो वर्कर्स है उनका किस तरह का आप ध्यान रखने वाली है, क्या क्या प्रिकॉशन हमारे सेट पे मतलब 12 आवर जब भी हमारे सेट पे रहेंगे तो डॉक्टर रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे 12 आवर, एंड PPT किट है, ग्लव्स, मास्क, हर तरीके से हम लोग और डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, कम से कम क्रू को हमने मतलब कहा है रहने के लिए, बस जो भी गाइडलाइंस है हम उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। प्रोजेक्ट के बारे में कितने उत्साहित हैं शुरुआत होने वाली प्रोजेक्ट की, खासकर निर्माता जो हैं इस फिल्म की और लीडिंग अभिनेत्री प्रियंका जी, उनका क्या कहना चाहेंगे? जी प्रियंका जी हैं जो मेरे को मोटिवेट किए सब्जेक्ट को बनाने के लिए। सबसे बड़ा इस सब्जेक्ट का जो ड्रीम रखा, जो नींव रखा, जो आज तक एक बन के आ पा रही आप लोगों के सामने, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे प्रियंका जी का ही है, क्योंकि उन्होंने मैं हर पल जहाँ जहाँ मुझे लगा कि हाँ मैं थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे को स्ट्रॉन्ग किया। जो जो मेरे लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आए कि कहीं मैं वीक ना पड़ जाऊँ, कहीं कुछ हो ना जाए, किस तरीके से हम देख पा रहे हैं, कई बार हम शूटिंग करने जा रहे थे लॉकडाउन हो गया एक बार, तो जहाँ जहाँ मैं एक दो जगह वीक पड़ा वहाँ मेरे को स्ट्रॉन्ग किया, कोई नहीं जब लॉकडाउन खुलेगा तब शूट करेंगे, तो हर एक हर्डल से उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। कुछ आपके बारे में जानना चाहूँ कि निर्देशन क्षेत्र में आना कैसे हुआ और ये क्या डेब्यू फिल्म है आपकी कि पहले भी आप? हाँ दिस ये मेरी पहली फीचर फिल्म है एज ए डायरेक्टर, इससे पहले मैंने 6-7 फिल्म में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया हुआ है, 2-3 फिल्म में एज एन शॉर्ट फिल्म मेरी एज ए राइटर आई हुई है, एक शॉर्ट फिल्म मैंने डायरेक्ट भी की हुई है, मे बी नेक्स्ट मंथ वो हंगामा पे आया। इंटेंशन नाम है इंग्लिश जो वर्ड यूज हुआ, इंटेंशन मतलब आपका नियत क्या है, तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप इस फिल्म के माध्यम से कि एक अच्छे पॉजिटिव में शोकेस करने वाले हैं फिल्म को कि नेगेटिव में लोग नियत अक्सर गलत होती है या अच्छी होती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी नियति तो कुछ संस्कृत वर्ड हो गया, ये फिल्म हर बंदे के इरादा के बारे में है। कभी कभी कहते हैं ना कि हमारी इंटेंशन अच्छी होती है एक्शन गलत हो जाते हैं, तो ये इंटेंशन और एक्शन के बीच में है कि हर बंदे का इंटेंशन, कई लोग का अच्छा एक्शन गलत है, कई लोग का एक्शन अच्छा इंटेंशन गलत है, तो उससे मिक्स होते हुए पूरी फिल्म कहने चाहते हैं।
प्रियंका जी लीडिंग अभिनेत्री तो हैं, इसके साथ ही कई नामी कलाकार हैं, आप राहुल देव की बात कर लें या देशघर की या ऋषि खन्ना, ये सारे लोगों का कैसा लग रहा है कि शूटिंग जब शुरू होगी तो किस तरह का माहौल बनेगा और कितना एंजॉय करेंगे उस चीज़ को? सारे लोग एक्साइटेड हैं इस सब्जेक्ट को, जब जिन जिन एक्टरों ने सुना, जिन जिन एक्टरों ने स्क्रिप्ट पढ़ी, सबको लगा कि कुछ नया करने को मौका मिलेगा। तो हर एक करेक्टर के लिए, चाहे वो अली जी हों, अली जी के लिए कुछ नया है, राहुल जी के लिए बिल्कुल ही नया है, तो हर एक एक्टर एक्साइटमेंट में इसी में है कि कुछ नया करने को मिल रहा है मौका। ये भी जानना चाहूँगा कि आजकल के दौर में क्या है, OTT का चलन है और वेब सीरीज बन रहे हैं या फिल्म भी OTT पर रिलीज हो रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में कि जब तक बड़े पर्दे पर फिल्म ना आए तब तक वो डायरेक्टर को या आर्टिस्ट को उस तरह का जो अचीवमेंट का फीलिंग होता है वो नहीं आता, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखो, थिएटर में वो लोग सोचते हैं जिनको लार्जर स्केल में बनाना होता है फिल्में। अब मैं रोहित शेट्टी तो हूँ नहीं, हम लोग छोटी फिल्म, मतलब हम लोग कहने मतलब ये है कि हम अपना कंटेंट कहना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं वो कहीं भी रिलीज हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे थॉट को लोगों तक पहुँच जाए, तो मेन मोटिव हमारा वो होता है। अब वो किस प्लेटफॉर्म पे आएगी वो मेरा, कहते ना जैसे फिल्म का टाइटल है वैसा इंटेंशन है ही नहीं, हमारा ये है कि जो हम कहना चाहते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ जाए बस, उसके लिए थिएटर में आए चाहे वो OTT पे आए, मेन हमारा ये है कि अभी जो जैसा माहौल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो OTT ही सबसे फोकस में हमारे। OTT कहाँ पर आप रिलीज करने की आपकी कोशिश हो रही है? देखिए, हमारी वर्बली 3-4 प्लेटफॉर्म पे बात हुई है, बट ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है अभी तक कि हम किस पर रिलीज़ करेंगे, जहाँ हमें बेटर डील मिलेगी, जहाँ हमें लगेगा कि हम अपने चीज़ को जो मेक बनाए हुए हैं उसको जस्टिस मिल पाएगा उस प्लेटफॉर्म पर, देखेंगे। लास्टली एजेंट चाहूंगा कि क्या करना चाहेंगे कि दर्शक जब जाएं, जब इस फिल्म को देखें जी, तो क्या सीखने को मिल सकता है कि दर्शक को कि आदमी का जो इंटेंशंस कभी होता है, जैसे आपने कहा कि सही होता है लेकिन एक्शन अलग होता है, तो कितना बैलेंस करना जरूरी है इंटेंशंस और एक्शंस को? देखिए, सीखने का तो मैं नहीं कह सकता, बट इतना है कि हर बंदे को ये समझ में आएगा कि कई बार हमें सिर्फ अपने घर के बारे में नहीं सोचना होता है, यूनिवर्सल चीज़ें भी होती हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, तो ये फिल्म कहीं ना कहीं उस कोर में जाएगी कि हमें अपनी कंट्री के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, और वो क्या है वो आपको मिस्ट्री बाद ही पता चलेगी। ओके, जैसे कि आप ये फिल्म फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, राइटिंग भी आपने की है, तो जैसे कि प्रियंका जी ने आपके ऊपर कॉन्फिडेंट दिखाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब फिल्म करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब क्या? देखिए, एक डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ा मोटिव वही हो जाता है, मोटिवेशन वही होता है जो उसका प्रोड्यूसर उसकी हर चीज़ को समझ सके। तो जो प्रियंका जी हैं वो मेरे को आज तक कभी क्रिएटिवली किसी चीज़ में रोकी नहीं, हर तरीके से फ्रीडम दिया, जो मैं चाहा जिस तरीके से चाहा। तो अब इससे बड़ा तो कुछ मेरे लिए वन लाइनर में अगर आपसे कहूँ तो इससे बड़ा चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता। एक बंदा जो फर्स्ट फीचर फिल्म बना रहा है जिसमें आपको फ्रीडम मिले, तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट है। थैंक यू। सर, वैसे तो मैंने लगभग 16 साल से लगभग 55 फिल्में करी एज AP, बट इस फिल्म को करने का एक अपना अलग मज़ा है। ऐसा प्रोड्यूसर मैंने इंडस्ट्री में मतलब 2-3 लोगों को देखा है, जो मतलब दिल फेक आशिक ऐसे हैं जो काम करने में एकदम काम को प्राथमिकता देते हैं, वैसे हैं ये। प्रियंका जी बहुत ही बेहतरीन नेचर की लेडी हैं, और इंटेंशन का क्या है सर, जिसका नाम ही है नियति, सोच। अब सोच के बारे में तो हर इंसान समझ सकता है कि सोच क्या होगी, हर इंसान की अपनी सोच होती है, तो कुल मिला जुला के यही कहूँगा, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई जा रही है, जब बनके रेडी होगी दर्शक देखेंगे तो सबको लगेगा कि हाँ कुछ एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। AP की जिम्मेदारी आपने तो सारा शेड्यूल तैयार कर लिया होगा आपने, जी बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए कब से शूटिंग होगी, कहाँ होगी, क्या तय किया है शूटिंग शेड्यूल? 13th से, यानी कल से हम लोग शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं मढ़ में। पूरी शूटिंग मुंबई में ही थ्रू आउट होने वाली है। कुछ मढ़ में कर रहे हैं, फिर कुछ हम फिल्म सिटी में कर रहे हैं, कुछ यहाँ से विरार साइड में कर रहे हैं, कुछ खंडाला साइड में कर रहे हैं, एक दो कुछ सिक्वेंस है हमारे जो पंचगनी साइड में फिल्म आने वाले हैं हम लोग, ये सब सारी शेड्यूलिंग हो रखी है, आर्टिस्ट वगैरह सब चीज़ लाइनअप है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का सहयोग बना रहे हैं, सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद, हर चैनल को धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक्स।